असामी सीएम एन गुवाहाटी के सीएम दोनों हाथों से शस्त्र चला रहे, दोनों हाथ में लड्डू लेकर दोनों को परोस रहे। वासी मेला में इस वक्त हमारे साथ कामाख्या मंदिर में धूनी वाले बाबा हैं। धूनी वाले बाबा काफी जाने पहचाने हैं और लोगों के बारे में काफी उनकी ख्याति विख्यात है। हम धूनी वाले बाबा से जानना चाहते हैं उनकी साधना के बारे में और उन मुद्दों के बारे में जो जिन मुद्दों को लेकर के आज की राजनीति काफ़ी चर्चा में है। बाबा जी, आपको जैसे धूनी वाले बाबा कहते हैं, तो अभी आप जैसे आपने बताया कि आप पूरे इंडिया में घूमते रहेंगे और काफ़ी कुछ दिनों तक यहाँ पर साधना करेंगे। वैसे मैं पंचधुनी अग्नि साधना करता हूँ, चारों तरफ अग्नि जला के बीच में बैठता हूँ, इसलिए मुझे धूनी वाले बाबा कहते हैं। बाकी के विश्व कल्याण के लिए करता हूँ। जब मैं कामाख्या मंदिर आता हूँ अम्बावाची मेला में, तो पूरा भारतीय के नाम से करता हूँ, पहले जल सेना, वायुसेना, कमांडो सेना, पृथ्वी सेना, सभी सेनाओं के नाम से, कि ये सेना ही हमारी सुरक्षा है, हमारी कवच है। जैसे जवान और किसान, किसान पेट की पूर्ति करता है, जवान देश की रक्षा करता है, इन दोनों के लिए मैं माँ कामाख्या से विश्व रक्षा के लिए आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। बाकी के असमिया सरकार ने अम्बावाची मेला में ये 2022 में और ये जून का महीना अच्छा सेफ्टी रखा, उसके लिए धन्यवाद, और यहाँ के गवर्नमेंट को धन्यवाद, यहाँ के कर्मचारी सभी पुजारी और पंडाओं को धन्यवाद, और जनता भी शांति बना के रखी, ये सबसे बड़ी बात। लेकिन सरकार तो अभी महाराष्ट्र के आपके शिवसेना के जो बागी विधायक हैं उनको संभालने में, उनकी खातिरदारी करने में व्यस्त है। ये महाराष्ट्र में जो कि महाराष्ट्र में जो शिवसेना है, हिंदू पार्टी के रूप में जानी जाती है, तो ये जो शिवसेना की जो राजनीति जो महाराष्ट्र में चल रही है और असम सरकार उसको वहाँ पे उन विधायकों को यहाँ पे होस्ट कर रही है, तो आपको लगता है कि सही हो रहा है? जब अम्बावासी मेला इस वक्त चल रहा है, इतना बड़ा आयोजन चल रहा है, वैसे में प्रशासन और सरकार है वो बागी सांसदों को मैनेज करने में व्यस्त है। वैसे देखी जाए तो यहाँ के जो सीएम हैं उन्होंने दोनों तरफ तीसरी नेत्र खोला हुआ है। एक तरफ राष्ट्रीय सरकार का ना मोदी जी का सम्मान कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने राज्य को भी संवारे पड़े हैं, जिसको कहते तीसरी नेत्र। तो एक नेत्र तो आप बोल रहे हैं कि मोदी का सम्मान कर रहे हैं, दूसरा नेत्र बोल रहे हैं कि आपका राज्य को संभालें, और तीसरा नेत्र क्या कर रहे हैं? वो अपने आए हुए यात्रियों को, जैसे महाराष्ट्र के लोग MLA MP है, उनका भी सम्मान कर रहे हैं और कामाख्या मंदिर टेम्पल का भी वो सम्मान करते हुए सुरक्षा का कवच लगाए बैठे हुए हैं। उनके दोनों हाथ में लड्डू है और दोनों हाथों से वो शस्त्र चला रहे हैं। असामी सीएम है ना, गुवाहाटी के सीएम दोनों हाथों से शस्त्र चला रहे हैं, ना बाहरी व्यक्तियों का सम्मान और अपने राज्य का भी सम्मान, दोनों हाथ में लड्डू लेकर दोनों को परोस रहे हैं। उसके लिए मैं कामाख्या से धन्यवाद कहूँगा कि ऐसे सीएम बार बार उनके लिए उपकार बने और उनकी लंबी उम्र बने और सभी अच्छा लगा हमें। आपने यहाँ असम मुख्यमंत्री जो हेमंत बिस्व शर्मा है उनको आपने बोला कि त्रिनेत्रधारी हैं। आप त्रिनेत्रधारी, आप जानते हैं हिंदू शास्त्रों में भगवान शिव को बोलते हैं, तो आप उनकी तुलना भगवान शिव से कर रहे हैं? त्रिनेत्रधारी इसलिए मैंने बोला और भगवान शिव के तुलना इसलिए किया कि ईश्वर अंश जीव अबनासी चेतन अमल सहे सुखराजी। जैसे सोना का कण, चाहे चूड़ी का कंगन हो, चाहे नाक की नथुनी इतनी सी हो, वो रहेगा सोना ही, नाम बदल जाता है। नाक की नथुनी, कान की झुमका, क्या हाथ की चूड़ी, गले का हार, रहेगा गोल्ड, नाम बदल जाएगा। और हम भी कभी कभी सोचते तो हमारा ध्यान लगता है तो कुछ दिखता है, इसलिए ईश्वर अंश जीव बनासी, हम लोग ईश्वर का अंश है। जैसे इस्लाम कहता मैं अल्लाह का हूँ, तो हम तो शिव का हैं। तो आप बोल रहे हैं कि असम मुख्यमंत्री में भगवान शिव का अंश है? हाँ, ये सत्य बात है। हमारा चौपाई, हमारा शास्त्र गलत कभी नहीं हो सकता और ईश्वर कृपा से धर्म राजा पैदा होता है और विनाशकाली विपरीत बुद्धि अधर्मी राजा राक्षसों की कृपा से होता है, जो देश को विनाश के तरफ ले जाता है, और जो देश की रक्षा के लिए ले जाता है वही राम है, वही भगवान है, जो पूरा प्रजा सातों जाति को जैसे रंगीन फूलों को एक धागा में पिलो दे,
ऐसे राजा को मैं बार बार सलाम और नमस्कार और दंडवत प्रणाम करता हूँ, जो देश को माला के धागाओं को तोड़ दे, फूलों को बिखेर दे, अपने स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ऐसे राजा को जैसे रावण मर गया, ऐसे राजा मर जाना चाहिए।